नमस्कार, मैं अंजलि खांबेटे। उत्पल भाई ने 1 जनवरी को हैप्पीनेस कोर्स शुरू किया था, वो मैंने उसके 30 लेसन्स कंप्लीट किए। उसके बाद उन्होंने तुरंत ही लाइफ चेंजिंग कोर्स फरवरी से चालू किया, जिसके भी 30 लेसन्स रखे हमारे लिए। ये उम्र तक तो मैंने काफ़ी कुछ कोर्सेस कर लिए थे, पर इस चीज़ में ये हमारे व्हाट्सएप कॉल से, हम एक दूसरे व्हाट्सएप ग्रुप पे हम लोग सब जुड़े हुए थे, फिर भी एक गुरुजी करके या तो हमारे मेंटर कहें तो उत्पल भाई इतने अच्छे से हमारे साथ जुड़े थे। उनका जो भी लिख के आता था इतना इंस्पिरेशनल रहता था कि हम बहुत उसको फॉलो कर पाते थे। ऐसे लगता था नहीं, ये करना चाहिए, ये हमारे लिए इतना कुछ लिख रहे हैं तो हमको करना चाहिए। और आज के ज़माने में निःशुल्क इतना इंस्पिरेशनल लिख के आप बाद में मैसेज में लिख के आप जागते होंगे, आप करते होंगे, आप करो, आपके लिए जरूरी है, कौन करता है अपने लिए। तो मैंने ये पूरी सफर 1 जनवरी से लेके ये 2 दिन पहले हमारा ख़त्म हुआ, सच पूछे तो कल ही ख़त्म हुआ। तो इसके अंदर जैसे कि काफ़ी टॉपिक थे, जैसे चिंतन दिवस, प्रार्थना दिवस। अभी प्रार्थना सबको मालूम है क्या करते हैं, बराबर है। प्रार्थना में हम भगवान से मांग मांग करते, पर इन्होंने बताया ग्रह उसमें जो मिला उसके लिए भगवान को थैंक यू कहो और दूसरे के लिए अच्छा सोच के उसके लिए मांगो। हैप्पीनेस डे, चॉइस एंड ओपिनियन डे, पॉजिटिव डे, वीआईपी डे। हम अपने बॉस या बुजुर्गों के साथ मन में ना हो तो भी प्यार से बर्ताव करते हैं। इनके वीडियो में मैसेज मिला नहीं, सब जैसे वीआईपी हैं ऐसे सबके साथ अच्छे से पेश आओ। अनुभव दिवस, उपहार दिवस। उपहार हम किसी को देते हैं तो हमको जो पसंद नहीं आता किसी से आया हो उसको आगे पहुंचा दो, ऐसे होता है। इन्होंने बोला ऐसे नहीं करना चाहिए, आपको वो उसकी जगह आप हैं और आपको क्या अच्छा लगेगा वो सोच के समझ के वो आप उपहार दो। ना उपहार दो तो एक सिंपल ग्रीटिंग में अच्छी विश पेश करो किसी को भी। हम कर सकते हैं, जैसे आजकल के जमाने में इतने मैसेज पढ़ते हैं, एक रेडीमेड वहां जो अंगूठा है, स्माइली है, वो दबाते हैं, पर हम लिखने का कुछ कष्ट नहीं करते भाई अच्छा है, आप आगे बढ़ो, कुछ भी नहीं। तो नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए। ये इनके वीडियोस पढ़ के पता लगा। निर्णय लेना, मानसिक व्यायाम, आप छोटी छोटी पजल खेलो, कोई भी उम्र हो। बाद में इंट्यूशन को आप जागरूक रखो, लव डे रखा था, डम डे, माउन ऑब्जर्व करो, देन तालम टोल करते हैं ऐसे मत करो, पूरा उसको उन्होंने वीडियो बनाया, समझाया। देन बॉडी केयर, जो भी चीज करो बॉडी की जो ये है उसको हर जगह से बराबर, आप उसके साथ क्या कहाँ कमी है, कहाँ बराबर नहीं है, वो सब आप देखो। स्किल डे था, सॉलिट्यूड डे था, अज्ञात दिन था, प्राकृतिक दिन था, प्रकृति में घूमने का दिन था, ग्रेटिट्यूड पेश करने का दिन था। बच्चे जैसे आप कैसे इनोसेंट रह सकते हो, आप हमेशा बच्चे जैसा रहो, पुराना भूल जाओ, वर्तमान में जियो। हमेशा कल क्या हुआ, अभी आने वाले कल में क्या होगा, ये सोचने में हम वर्तमान को तो भूल जाते हैं, और वो जो जीना है अभी सांस ले रहे उसको भी हम भूल जाते हैं, उसको महसूस भी नहीं करते, या तो पास्ट या तो प्रेजेंट। तो आप क्या कर सकते हो, ये सब हमको लेसन्स दिए, बहुत अच्छे लगे लेसन्स। शुरुआत हमारी 5 के पहले ही मैं तो उठ जाती थी, उठने के बाद अपना कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, वो वंदन करके अपना तैयार होके, उन्होंने मेडिटेशन पर बहुत भार रखा कि सुबह जल्दी मेडिटेशन करो। उठ के उन्होंने 5 ही मिनट मांगी थी कि 5 मिनट तो बैठना सीखो, पहले नींद में से उठ के इतना करने का ये सब कंटाला भी आता था, पर नहीं, अब आदत सी हो गई। उठने के बाद कैसे सर अपना कब डालते हैं वीडियो, तो उसकी जैसे हमको एक ये हो गई कि अरे कब आता है वीडियो, कब नया कुछ पढ़ने को मिलेगा। और वो पढ़ने के बाद उस माइंडसेट में पूरा दिन बिताओ और रात में वापस डायरी में लिखो जो एक्सरसाइज हमने आज सीखी, तो उसमें इतना मजा आया कि सच में अभी मैं आने वाले ये 1 तारीख से वापस, एक नहीं होली के बाद तुरंत ही मैं वापस वही 60 एक्सरसाइज, पहले उन्होंने लाइफ चेंजिंग कोर्स करवाया था, उसके पहले हैप्पीनेस कोर्स करवाया था, वो सब लेसन्स मैं वापस करने वाली हूँ, अपने आप शुरू करने का, पढ़ने का, रोज वो डेट लिखने का। उसके लिए कोई उम्र नहीं है, उन्होंने इतने सुंदर वीडियो बनाए हैं कि जो भी बच्चा भी छोटा है वो पढ़ के सुने, तो जो उम्र होने के बाद अकल आने से पहले वो उसकी जिंदगी और अच्छे से बिता सकता है। तो ये कोर्स उन्होंने बहुत ध्यान देके सबको बनाया, निःशुल्क बनाया, और उसके अंदर उन्होंने एक जान डाली है। तो मैं तो रिक्वेस्ट करूंगी कि जो जो भी ये वीडियो देखे प्रेरणा ले और आगे बढ़े। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।